हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। हम लोग जो आपको आर्यंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आज हम उसी में पढ़ने वाले हैं आपके मैथ का एक चैप्टर नंबर जो है कि औसत या एवरेज से रिलेटेड है, जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक से दो देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलिए आज का हम ये सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि औसत क्या होता है। तो औसत के बारे में भी आपको जानकारी थोड़ी सी पता होना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यदि हिंदी के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि औसत क्या होता है। सबसे पहले तो औसत क्या होता है बेटा, तो देख लीजिए आप, औसत में आपको क्या रहता है कि कोई भी ऐसे संख्या दी रहती है, जैसे कि एक दे दिया आपको, दो दे दिया, तीन दे दिया, फिर चार या पांच, फिर बोल दिया कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या दिया रहता है, एक दो तीन चार पांच, इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या होगा, तो आपको ना बेटा इन सबको ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है औसत बराबर से क्या होता है, औसत जो होता है आपका संख्याओं का, आपका होता है संख्याओं का योग बटे में क्या हो जाता है, कुल संख्या। कुल कितनी संख्या दी हुई है आपको ये करना है, कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे में क्या दी रहती है, टोटल कितनी संख्या दी है आपको। इसमें क्या करना होता है, तो देखिए यहाँ पर संख्याओं का योग, तो हम योग कर लेते हैं और कुल टोटल कितनी संख्या वहां लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एवरेज या औसत मिल जाएगा। तो देखिए पांच और चार नौ हो गया बेटा, नौ और तीन बारह हो गया, बारह और दो कितना हो गया, चौदह हो गया, चौदह और एक कितना हो गया, पंद्रह हो गया। तो हमारा टोटल योग कितना निकल कर आ गया यहाँ पर, तो पंद्रह आ गया। फिर आपसे बोला है कुल संख्या, तो कुल संख्या देखिए एक दो तीन चार और पांच दी हुई है आपको, तो हम क्या करेंगे इसे पांच से डिवाइड कर देंगे। अगर 15 को 5 से डिवाइड करते तो हमारा औसत निकल कर कितना आ गया बेटा, 3 निकल कर आ गया, जो क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया। औसत निकालना बिल्कुल ही सरल होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा आज का पहला एग्जाम्पल। अब देखिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ कि इससे किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या करना होता है, बस इस फार्मूले को याद रखना होता है, फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए ऐसा बोला जाता है कि अगर 20 संख्याओं का जो औसत है, ऐसा दिया रहता है 20 संख्याओं का औसत आपको 30 दिया है, जो औसत है वह कितना है 30 है, और 30 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। 30 संख्याओं का जो आपको तीन संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 20 है, तो आपको क्या बताना है कि टोटल सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए पहले 20 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 20 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 30 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे 20 और 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा 600 हो गया। फिर क्या दिया है, और 30 संख्याओं का जो औसत दिया है आपको कितना दिया है 20 दिया है, तो देखिए यहाँ पर 30 संख्याओं का जो औसत है यहाँ पर आपको 20 दे दिया। अगर हम देखिए 30 और 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 600 आ जाता है। अब हमारी टोटल संख्या कितनी हो गई बेटा, देखिए 20 संख्या ये है और 30 संख्या ये है, तो टोटल मिलाकर ये कितनी हो गई 50 संख्या हो गई, और इनका योग कितना आ रहा है, देखिए 6 और 600 कितना हो गया 1200 हो गया, तो हम क्या करेंगे इसे 50 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 50 से डिवाइड कर दिए, तो ये देखिए 5 दूनी 10 हो गया, कैरी आपका 2 बचा, 5 चौका 20 हो गया, तो ये कितना निकल कर आ गया आपका जो औसत निकल कर आया वह 24 या 24 निकल कर आ गया, जो कि क्या आ गया बेटा आपका राइट आंसर आ गया। अब देखिए इससे एक प्रकार का और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको दे दिया जाता है इसमें कि चार संख्याओं का औसत, क्या बोलता है कि चार संख्याओं का औसत आपको, चार संख्या का औसत आपको पांच दिया है, पांच,
कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, और 9 संख्या का औसत कितना, 4 और 5, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 6 संख्या, 6 संख्याओं का जो औसत है आपको कितना दे दिया है यहाँ पर, अगर देखें हम तो 11 दे दिया है हमें। तो आपसे पूछा है कि टोटल जो औसत होगा वो क्या आएगा, तो देखिए 4 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया है, तो 4 × 5 ये टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। फिर 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ आपको, 11 दिया हुआ, तो 11 × 6 कितना हो गया बेटा, 66 हो गया। फिर इनको ऐड कर लीजिए आप, तो देखिए 6 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, तो कितना आया अपना, 86 आया। आप संख्या देखिए आप कितना दिया हुआ है, 4 और 6 संख्या दी हुई है, टोटल कितनी संख्या हो गई, तो आपकी 10 हो गई। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, टोटल हमारी कितनी आ गई, ये ऐड करने पर 86 आ गई, हम क्या करेंगे इससे 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 संख्या हमारी ये थी और 6 संख्या वो है आपकी, टोटल मिलाकर कितनी संख्या हो गई, तो 10 संख्या हो गई। अगर हम इसे 10 से डिवाइड करते बेटा, तो हमें काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। क्या होता है, नीचे जितने जीरो होते हैं उतना क्या करना पड़ता है आपको, ऊपर वाली संख्या में पीछे से दशमलव लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा निकल कर क्या आ गया, औसत या एवरेज आ गया आपका 8.6 निकल कर जो आया, ये एवरेज निकल कर आ गया। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये टाइप क्वेश्चन ये जो है ये समझ में तो आए होंगे कि औसत कैसे निकाला जाता है। औसत का जो सूत्र होता है, वहां मैंने आपको बताया कि संख्याओं का कुल योग बटे क्या होती है, संख्या होती है। अब देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आने लगेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 4 संख्याओं का जो औसत है 40 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या बताइए। आपको बोला है 4 संख्याओं का जो औसत है कितना है, आप जल्दी जल्दी इसे लिख लीजिए। जो 4 संख्या का औसत है आपको कितना दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, तो 40 दिया हुआ। तो देखिए अगर 4 का गुणा हम 4 में करते हैं तो 16 हो गया, एक जीरो हम लगा देंगे। आपको क्या करना है, यदि जीरो वाली संख्या आ जाए तो उसे जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितने जीरो लगे रहते हैं आपको उतने पीछे जीरो लगा देने होते हैं। आप बोल रहा है यदि 3 संख्याओं का जो योग है वह 75 है, 3 संख्या देखिए, 4 टोटल संख्या कितनी हमें यहाँ पर 4 दी हुई है, 4 संख्याओं का औसत 160 आ रहा है। वो बोल रहा है कि अगर 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या बताइए। तो देखिए टोटल 4 संख्या का अगर हम इसमें से 3 संख्या घटा देते तो हमें चौथी संख्या मिल जाएगी। तो देखिए अगर हम इसमें 75 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, यहाँ पर चौथी वाली संख्या मिल जाती। अगर हम इसे काटते तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगी तो 5 बचा, 15 में से 7 जाएगी तो आपका कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, मतलब 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 85 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये टोटल संख्याओं का औसत था अपना, मैंने आपको बताया ना कि जो ये जोड़ होता है यही क्या होता है, हमें इससे डिवाइड करना होता है। तो देखिए 4 संख्याओं का औसत आपको 160 निकल रहा था हमारा, 3 संख्याओं का औसत का योग जो सॉरी 3 संख्याओं का योग हमें दे दिया 75 दे दिया। अगर हम 160 में से 75 माइनस कर देते तो 85 हमारे पास बची, मतलब ये चौथी संख्या निकल कर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया गया है कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार है, 18, 24, 36, 44, 10, 92, 17 क्या दिया है, 52, 72, 80 इनका औसत निकालिए आप। तो देखिए सबसे पहले तो कितनी विद्यार्थियों की है हमारे पास, 10 है, तो हम क्या करेंगे इन सभी को जोड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे, टोटल कितनी संख्या है 10, तो हम उससे क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 18 दिया है, फिर 24 दिया हुआ है, फिर 36 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है हमें यहाँ पर, अगला दिया है 17, 72, फिर 80 दिया हुआ है। देखिए हमारी 10 संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हो रही है, कहाँ हमने इसे गायब कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने 52 नहीं लिखा, 52 हमारा नहीं लिखा। अगर हम इसे सबको जोड़ लेते हैं और 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 7 आपका कितना हो गया, 11 हो गया, 11 और 2 कितना हो गया, 13, 13 और 4 कितना हो गया बेटा, 17, 17 और 6 23 हो गया, 23 और अगर हम किसको जोड़ देते हैं, 4 को जोड़ देते हैं तो 27, 27 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 35 हो गया, 35 का 5 आपका कैरी कितना बचा, 3 बचा। फिर जोड़ लिया थे यहाँ पर देखिए 8 और 5 13 हो गया, 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया, 21 और 9 30 हो गया, 30 31 हो गया,
31 और 4 कितना हो गया 35, 35 और 3 कितना हो गया 38, 38 और 2 कितना हो गया आपका 40 और 41, और कैरी हमारा कितना बचा था यहाँ पर 3 बचा था, हमारा कितना आ गया यहाँ पर 44 आ गया। हम क्या करेंगे, अब इसे 10 संख्या है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताई ना, अगर ऐसी संख्या हो तो आपको काटना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर 01 लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या में पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 44.5, क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर आपको 2 में नजर आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर आ गया। समझ में आया होगा आपको, देखिए 10 संख्या दी रहती है हमें, तो क्या करना पड़ता है 10ों को ऐड कर लेना है, फिर हमें जितनी संख्या दी है उसमें से ही क्या कर देना है भाग कर देना, तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है एवरेज या औसत निकल कर आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है, उसके रनों का मध्यमान कितना होगा। मध्यमान भी औसत को बोला जाता है, समांतर माध्य भी बोला जाता है। आपसे यदि बोल दिया जाए कि कितना होगा औसत, औसत को ही देखिए यहाँ पर मध्यमान भी कहा जाता है। अब क्या करते हैं हम, अब सभी का जोड़ निकाल लेते हैं, और कितनी संख्या दी हुई है हम उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, 13 दिया हुआ, तो हम जोड़ लेंगे, फिर 0 दिया है, फिर 19 दिया है आपको, फिर कितना दिया है 17 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है। टोटल हमारी कितनी संख्या है यहाँ अगर हम देखें तो 2, 4 और 5 दी हुई, यहाँ पर भी हमने पाँचों संख्या को लिख लिया। अब क्या करेंगे हम इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए अगर 13 और हम 17 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है बेटा यहाँ पर 30 हो जाता है, 30 40 हो गया, 40 और 49, 49 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 55 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल जोड़ लिया, तो हमारा जोड़कर कितना आ गया बेटा 55 आ गया। अब हमें कितनी संख्या दी हुई है, यहाँ पर 5 संख्या दी हुई है, तो देखिए हम 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं। अगर 5 से काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाता है बेटा 11 बार कट जाता है, तो ये क्या निकल कर आ गया आपका औसत निकल कर आ गया, जो कि आपका क्या आ गया राइट आंसर आ गया। आपको ऑप्शन नंबर हमारा ए में नजर आ रहा होगा, 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वाले जो मैथ है आते हो तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, संख्याओं 3, 6, 9, 6 का औसत बताना है आपको। कितनी दी गई है संख्याएं 3, 6, 9, 6, आपको इसका औसत बताना है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपके GNB जवाहर नवोदय विद्यालय में सारे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का हमारा वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है, LCM SCF होता है, आपका वर्क एंड टाइम होता है, ये सभी को जो आपके चैप्टर है मैंने आपको सॉल्व करवा रखी हूँ बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप हमारे ये सारे वीडियो देख लेते हैं तो क्या होता है आपका नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने बेहतरीन तरीके से आपको और सरल ट्रिक से बताई है। क्योंकि फार्मूले में क्या होता है कभी कभी हम फार्मूला भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम एक बार अच्छे से ट्रिक सीख जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक ही ट्रिक से मैंने आपको सारे ही मैथ करवाई। जैसे कि जो सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें मैंने एक ही फार्मूले के आधार पर सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के जो होते हैं वो सॉल्व करवाई हूँ। देखिए ये क्वेश्चन हम करते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दी हुई है हमें, 3 दी हुई है, 6 दी हुई है, 9 दिया हुआ है और फिर 6 दिया हुआ है। अगर हम इसे जोड़ लेते हैं तो कितनी हो जाती है, देखिए इधर 6 और 3 को जोड़ते हैं तो 9 हो गया, फिर 9 18 हो गया, 18 और 6 को जोड़ देते हैं बेटा कितना आ जाता है 24 आ जाता है। फिर आपको देखिए संख्या कितनी दी हुई है, तो 4 संख्या दी हुई है, हम 24 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना होता है 4×6=24 होता है। तो देखिए ये 6 निकल करके आ गया बेटा आपका राइट आंसर निकल कर आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सरल तरीके से बताया मैंने आपको, बिल्कुल ही आसान हो गया होगा आपके लिए ये। तो देखिए
ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या बोला गया इसमें कि तीन संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है आपको। क्या क्या बोला गया, पहले तो जैसे आपको बोला जाता है वैसे आपको लिख लेना होता है। तो देखिए तीन संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हो तो ये कितना हो जाएगा, 7 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है 21। तो आपको बोला गया पहली दो संख्याओं का औसत 5 है। तो देखिए ये टोटल हमारी तीन संख्या है, टोटल हमारी तीन संख्या, उसमें से बोल दिया है कि पहली दो संख्या जो है उनका औसत कितना दिया हुआ है, हमें 5 दिया हुआ, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। आपसे बोला है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पर टोटल हमारी तीन थी तो तीन संख्या का औसत कितना दिया था, 21 दिया था। आपको ये बोला है कि उनमें से दो संख्या का औसत 5 है, तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया, 10 आ गया। आप अगर आप 21 में से टोटल में से 10 माइनस कर देते तो जो ये 11वीं वाली संख्या आएगी हमारी क्या आ जाएगी, ये तीसरी वाली संख्या आ जाएगी जो कि इसमें ऐड है। तो दो संख्या ये हो गई आपकी, तीसरी वाली संख्या ये हो जाएगी। तीसरी वाली संख्या का मान कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 11 निकल कर आ जाएगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि इसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है। तो अध्यापक की आयु आपको बताना है। देखिए ये भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम, क्या दिया गया है, जो 30 है विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी गई है आपको, 15 दी हुई है। तो देखिए 15 कितना हो जाता है बेटा, 45 हो जाता है और एक जीरो हम लगा देते। मैंने आपको बोला ना कि जीरो का आपको मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि क्या होता है अगर आपको दो जीरो दिया रहता है तो आपको दो जीरो लगा लेना, 3 दिया रहता है तो 3 लगाना होता है। फिर बोल रहा है यदि अध्यापक की आयु को भी सम्मिलित, देखिए पहले से तो कितने व्यक्ति हैं हमारे पास, 30 व्यक्ति है। अगर हम अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल लोग कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर 31 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया। फिर वो बोल रहा है कि औसत आयु में भी 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी औसत आयु कितनी दी हुई थी, हमें 15 वर्ष दी हुई थी। अगर हम अध्यापक की आयु को शामिल कर लेते तो औसत आयु में भी 1 की वृद्धि हो जाएगी। मतलब यहाँ पर कितनी है, 15 दी हुई है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा, 16 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर 16 का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 16 एकम 16, बचा कितना आपका 1 बचा, 16 3 48 और 49 हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 49 हो गया। यहाँ पर 30 का दिया हुआ था, हमें यहाँ पर 31 का दिया हुआ है। तो देखिए हम बड़ी वाली संख्या में से क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे। देखिए बड़ी वाली संख्या हमारी कितनी निकल कर आई, 496 निकल कर आई। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 450 को माइनस कर दें, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए जो हमने अध्यापक को शामिल किया था तो उसकी आयु कितनी निकल कर आ गई बेटा, 46 वर्ष निकल कर आ गई अध्यापक की। यह हमारी आयु निकल आई, किसकी निकल कर आई, तो ये अध्यापक की निकल कर आ गई। अध्यापक की जो आयु आई वो कितनी आई, 46 वर्ष आई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए अगला क्वेश्चन। क्या बोला गया इसमें, 6 संख्याओं का औसत 8 है, एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता, अतः 7वीं संख्या ज्ञात करना है आपको। बस जस्ट अभी हमने कैसा करा, अध्यापक की आयु वाला, वैसा ही हमें इसको भी करना है। तो देखिए 6 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 6 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। फिर आपको बोला गया है कि एक संख्या और जोड़ देने पर, एक संख्या और जोड़ देंगे, पहले तो 6 है, आप कितनी हो जाएगी हमारी, 7 हो जाएगी, क्योंकि हमने 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब इनका औसत कितना हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाता है। अगर 10 का मल्टीप्लाई हम 7 में करते हैं तो कितना हो जाता है बेटा, यहाँ पर 70 हो जाता है। तो देखिए बड़ी वाली संख्या में से आप छोटी वाली संख्या घटा देते तो हमें जो 7वीं संख्या है उसका मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम 70 में से 48 क्या करते हैं, घटा देते। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से आपके 8 गया तो 2 बचेगा, और 6 में से 4 गया तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये क्या निकल कर आ गई, यहाँ पर हमारी जो 7वीं वाली संख्या है आपकी, 7th वाली, बाहर निकल कर आ गई। वो कितनी निकल कर आ गई आपकी, यहाँ पर संख्या जो है बाहर 22 निकल कर आ गई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर
टू में नजर आ जाओगे। तो ऑप्शन नंबर जो टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सरल होते हैं औसत के जो मैथ होते हैं, और अगर आप हमारे साथ हमारे वीडियो पे बने रहते हैं तो आपको ये जो मैथ है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ये बिल्कुल भी आपसे किसी भी तरह के डाउट नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि 15, 10, 13, 14, 5, 78, 66, 23 का औसत निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, फिर इन्हें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, 10, 13, आपको फिर 14, 5, 78, 66 और 23 दिया हुआ। इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए कितनी संख्या है, 2, 4, 6, 8 है। तो 2 हो गई, 4 हो गई, 6 और 8, हमने 8वीं संख्या को लिख ली। आप क्या करेंगे, हम इन्हीं सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में अगर आप 8 जोड़ देते तो 17, 17 और 5 कितना हो जाता है बेटे यहाँ पर 22, 22 और 4 कितना हो गया 26, 26 में 3 जोड़ देते हैं तो 29, 29 में 5 जोड़ दिया तो 34, कैरी कितनी बची हमारी, 3 बची। अब देखिए यहाँ पर 6 और 2 8, 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया, 15 और 1 16, 17, 18 और 1 19, 19 और 3 यहाँ पर कितना हो गया आपका 22 निकल कर आ गया। तो हमारे टोटल कितना निकल कर आ गया यहाँ पर, 224 निकल कर आ गया। अब आपकी संख्याएं कितनी दी हुई है, तो देखिए 8 संख्या दी हुई है, तो हम क्या करेंगे इसे 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16 होता है आपका, फिर कितना बचा 6 बच गया, तो 8 ही 8 कितना हो जाता है 64 हो जाता है। तो देखिए आपका जो औसत निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, तो 28 निकल कर आ गया। ये क्या आ गया बेटा, आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारी स्क्रीन पर हमारा आज का अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 10 संख्याओं का औसत 13.7 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है तथा अंत की 6 संख्याओं का औसत 14.5 है, तो पांचवी संख्या का मान बताना है आपको। क्या बताना है, पांचवी संख्या का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो 10 संख्या दी हुई है हमें, उसका औसत कितना दिया हुआ है 13.7 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर देखिए हम इसके अपॉन में, अगर यहाँ पर हमें दशमलव दिया हुआ था, हम क्या करते हैं, हमारे पास यदि नीचे जीरो रहता है तो हम पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर पीछे से एक अंक के बाद दशमलव दिया था, हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे 10 लगा लेंगे। देखिए इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका टोटल कितना बचकर आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, फिर देखिए ऐसा होता है 10 है हमारा, यहाँ पर 13.7 आपको 7 दिया हुआ है। अगर हम नीचे क्या करते हैं, जीरो लगा देंगे तो ये जो ऊपर का आपका दशमलव है ये हट जाएगा। तो अब इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो हमारा टोटल निकल कर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा आपका टोटल, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 137 निकल कर आया हमारा। फिर हमसे बोला गया पहली 5 संख्याओं का जो औसत है आपको कितना दिया हुआ, 12.4 दिया हुआ है। तो देखिए 12.4 दिया हुआ, हम इसको भी क्या करते हैं यहाँ पर अगर हम हटाते हैं, तो देखिए इस दशमलव से अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 124 हो जाएगा, हमारा अपॉन में कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, फिर यहाँ पर 6 हो गया, फिर आपका 2 आया, तो कितना निकल कर आ गया यहाँ पर आपका 62 निकल कर आ गया। कितनी संख्याओं का है, तो यदि 5 और 12.4 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पर 62 आ जाता है। अब आपसे बोला अंत की 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है आपको, 14.5 दिया, तो वही कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर काटना हो तो काट सकते हैं, 5 दूनी 10 होता है, फिर आपका 4 बचा तो परिणाम 45 होता है, 5 दूनी 10 होता है। 2 से इसको 3 बार कट जाएंगे, अगर 29 का मल्टीप्लाई हम 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 तिरी 27 होता है, 2 बचा आपका 6 और 2 8 हो जाएगा। मतलब इन सबका निकालने पर कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए तो 87 हो जाएगा। कितनी का, 6 का हमें औसत दिया गया है 14.5। तो देखिए यहाँ पर टोटल 10 संख्या थी हमें, तो कितना निकल रहा था, 137 निकल रहा था। अब यहाँ पर देखिए अगर इतना देखते हैं हम, तो ये कितना निकल कर आ गया, 5 और 6 कितनी हो गई हमारी, 11 संख्या हो गई। अगर हम 11 संख्या में से इन 10 संख्याओं को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, जो लास्ट वाली संख्या पांचवी संख्या वो मिल जाएगी। तो देखिए ये कितनी हो गई हमारी यहाँ पर,
तो इसको पहले आप जोड़ लीजिए, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल हमारा जोड़ कितने का आया, 11 संख्याओं का, ये हमारा 11 संख्याओं का जोड़ आया, पर हमें तो 10 ही संख्या दी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देंगे, तो हमें बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 149 में से अगर हम 137 घटा देते हैं तो कितना बचता है, देखिए 9 में 7 गया तो 2 बचा आपका, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, मतलब हमारा जो क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर 12 निकल कर आ गया, जो कि आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। जो हमारी 11वीं संख्या है वो आपको बताना था 5वीं संख्या का मान, तो देखिए 5वीं संख्या का मान आपको ये वाली 5 थी और ये वाली 5 थी, छठवीं पर यहाँ पर दी हुई थी, तो इसकी जो संख्या निकल कर आ गई वो क्या आ गई बेटा, 12 आ गई, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया आपको कि एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से मध्यमान भार 42.5 किलोग्राम हो जाता है, तो नए लड़के का भार आपको ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल 9 लड़के हैं, 9 लड़के का भार आपको कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ, तो 42 और 9 का हम मल्टीप्लाई करते, देखिए 9 दूनी 18 होता है, कैरी कितना बचा, 1 बचा, 9 जो कुछ 36 और 1 कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 37 हो गया। फिर आपसे बोला है यहाँ पर कि एक और लड़का आ जाता है, एक और लड़का आ जाता है, देखिए पहले तो 9 थे, अब क्या रहा, एक आ जा रहा है, तो कितने हो जा रहे हैं यहाँ पर, 10 हो जा रहे हैं, तो इनका औसत कितना हो जाता है, 42.5 हो जाता है, कितना हो जाता है, 42.5 हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताई, देखिए यहाँ से दशमलव हटाना है तो हम क्या कर लेंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो इस वाले जीरो से ये वाला जो सॉरी ये जीरो कट जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर फिर आपका क्या बच जाएगा, 425 बच जाएगा, तो ये 425 आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है, 425 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 10 संख्या का दिया, पर हमें तो पहले कितनी दी हुई है, 9 ही दी हुई है, तो हम बड़ी वाली संख्या में से क्या कर लेंगे, छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बड़ी संख्या में 425 दी हुई है, छोटी संख्या कितनी दी हुई है, तो आपको 378 दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 11 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा आपका, 15 में से अगर 8 गई बेटा तो आपका 7 बचा, फिर 11 में से आपके 7 गई तो कितना बचा, 4 बचा, क्या निकल कर आ गया हमारा, 47 निकल कर आ गया। जो हमारी लास्ट वाली संख्या है वो क्या निकल कर आ गई, ये लास्ट वाले लड़के की आयु या भार आपका जो है वो 47 किलोग्राम निकल कर आ गया, तो क्या आ गया, 47 किलोग्राम निकल कर आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है, देखिए 9 लड़के की हमको कितनी दी हुई थी, तो यहाँ पर आपको दी हुई थी 42, फिर क्या हो गया, 10 की हमें कितनी दे दी थी, यहाँ पर 42.5 दे दी थी, तो हमने क्या करा, दशमलव हटाने के लिए एक नीचे जीरो लगा लिया, तो इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो हमारा टोटल निकल कर कितना आ गया था, 425 आ गया था। फिर हमें यहाँ पर 10 का पता था, यहाँ पर 9 ही दिए थे, तो हमने क्या किया, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटा दी, तो हमें किसका भार पता चल गया, लास्ट वाले लड़के का वजन पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 20 समानों का जो औसत है 18 है, यदि प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या होगा, ये आपके लिए नया टाइप होगा। तो देखिए 20 का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है आपको, तो 18 दिया हुआ है, 18 दूनी कितना हो गया, 36 हो गया, एक जीरो हम एक्स्ट्रा लगा दें। फिर बोल रहा है यदि प्रत्येक समान में 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया भार कितना होगा, प्रत्येक समान में आपको दिया है कि ये टोटल समान है हमारा, टोटल समान में से अगर हम क्या करते हैं 3 घटा देते हैं तो समानों का नया औसत कितना होगा। तो देखिए टोटल समान हमारे कितना दिया हुआ है बेटा, 20 दिया हुआ है, अब हमें 20 में से क्या करना है, 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो 20 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर लेते हैं, तो हमारे टोटल 20 संख्याओं को क्या निकल जाएगा, इसमें से 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 60 निकल कर आ जाता है, मतलब अगर हम 20 समान है हमारे उसमें से 3 घटाते हैं तो वो कितना बाहर हो जाता है, हमारा 60 बाहर हो जाता है। टोटल हमारा कितना हो रहा है, 360 हो रहा है, अगर आप इसमें से 60 घटा देते हैं तो आपको क्या बच जाता है,
नया औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर भी जीरो हो गया, यहाँ तीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये इससे कर दिया हमने, अगर 2 से 30 को काटते हैं बेटा तो वो कितनी बार कट जाता है, 15 बार कट जाता है, जो कि क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया, आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि टोटल सामान हमारे पास 20 था, उसका औसत 18। यदि वह बोल रहा है प्रत्येक सामान, तो प्रत्येक सामान में से 3 घटन है, तो टोटल सामान तो हमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ। तो 20 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 3 में कर लेंगे, तो टोटल कितना घट गया हमारा, 60 घट गया। तो 360 में से हम 60 घटा देंगे तो 300 बच गया हमारा। अब हमारा टोटल सामान तो 20 ही है, तो हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल कर आ गया हमारा आंसर, 15 निकल कर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ले रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया है कि एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 48, 44, 56 तथा 52 अंक प्राप्त हुए, तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, इन सभी संख्याओं को लिख लेना है और फिर जोड़ देना है। देखिए 48 हो गया आपका, 44 हो गया, 56 हो गया, और क्या हो गया, 52 हो गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए 6 और 2 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया। यहाँ पर हमारा 0 बचा और 0 आया, यहाँ पर केरी कितना बचा आपका, 2 बचा। 5 और 5 10 हो गया, 10 और 8 कितना हो गया, 10 और 4 कितना हो गया, 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 यहाँ पर हो गया। टोटल कितना निकल कर आ गया हमारा, 20 आ गया। देखिए यहाँ पर संख्या हमें कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे। 4 और 5 20 होता है, 10 लगा दीजिए आप, तो आपका औसत कितना निकल कर आ गया बेटा, 50 निकल कर आ गया, जो कि आपका राइट आंसर हो गया। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या आपको बताना है। टोटल संख्या 6 है, इनका औसत आपको 30 दिया हो, तो देखिए 6 दिया 18 हो गया, 10 हम क्या करेंगे यहाँ पर बढ़ा देंगे, ये तो हमारा अलग ही हो गया। अब देखिए आपको बोला गया है कि जो 4 संख्या है इनका औसत 25 दिया, अगर 25 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। यदि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, इसमें बोला गया है अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है आपको 35 दिया हो, तो देखिए यदि यहाँ पर हम 35 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 3 5 15 हो जाता है, आपका कैरी 1 बता, 3 3 9 और 1 10 हो गया। तो देखिए ये टोटल कितनी हो रही है, 4 ये है, 3 ही है, तो टोटल कितनी हो गई बेटा हमारी, 7 संख्या हो गई, ये 7 संख्या हो गई, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, जो हमारी टोटल 7 संख्याओं का योग आया वो कितना आ गया, यहाँ पर 205 आ गया, पर हमें तो 6 ही संख्या दी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले संख्या में से छोटी वाली को घटा देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगी, लास्ट वाली संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचा आपका, 0 में से 8 नहीं जाता इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर उधार ले लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा आपका, 10 में से 2 8 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो आपका जो लास्ट वाली संख्या आ गई बेटा वो क्या आ गई, यहाँ पर 25 निकल कर आ गई, जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले 6 संख्याओं का औसत 100 यहाँ पर 30 दिया हुआ है, फिर आपसे क्या बोलते हैं इनका 2 का मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर 4 दे दिया और यहाँ पर 3 दे दिया, तो टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी, 7 हो गई, पर हमें तो यहाँ पर 6 दिया गया, तो आपको क्या करना है, जो 7 संख्या वाली रहती इनको जोड़ लेना है और ऊपर वाली जो संख्या छोटी वाली है उसको उसमें से माइनस कर देना है, तो आपका क्या हो जाता है बेटा, राइट आंसर निकल कर आ जाता है। चले आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, इसमें बोला गया है 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या आपको बताना है। देखिए क्या क्या बोला गया है, 4 में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको, 15, तो अगर हम 15 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। फिर आपसे बोला है अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो 16 दिया 48 हो गया। आपसे बोला है कि अंतिम संख्या 19 है, क्या बोला है कि अंतिम संख्या अगर 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी,
इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 19 को माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 9 हो गया, 3 बचा आपका 2 हो गया यहाँ पर। फिर आपसे बोला गया है यहाँ पर देखिए ये वाला जो मैथ्स है वो कैसा हो रहा है। तो देखिए आपको यहाँ बोला गया कि चार संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया बेटा, तो 45 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल चार संख्या अगर हम मानते हैं ए बी सी और डी ऐसा मान लेते हैं, तो ये जो प्रथम संख्या हुई इनका औसत आपको कितना दे दिया है, उनने 15 दे दिया है। ठीक है, 15 दे दिया है। तो ये इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। फिर बोल रहा है अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत दिया है आपको 16 दिया हुआ है। तो देखिए 16 दिया कितना हो गया बेटा, 48 हो गया। मतलब अंतिम क्या दिया है, इन 3 संख्याओं का औसत आपको बताया गया है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है यदि अंतिम संख्या 3 है, तो देखिए जो ये वाली डी होगी ये क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 19 हो जाएगी। तो अगर हम इसमें से 19 घटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितनी संख्या बचेगी, 2 संख्या बचेगी, जो कि आपकी क्या बचेगी, ऊपर वाली ये वाली 2 बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 9 हो गया। 3 में से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बच गया बेटा, यहाँ पर 29 बच गया। मतलब 29 क्या बचा बेटा आपका, जो आपकी ये वाली संख्या आ रही थी, इसमें देखिए हमें नीचे की ये वाली संख्या दी हुई थी, तो इन 3 का कितना दिया हुआ था, 48 दिया हुआ था। अगर हमने ये वाली संख्या 19 बता दी तो हमारे पास क्या बची, अभी ये 2 संख्या यहाँ की बच गई, ए बचा है आपका यहाँ पर, और हमारे पास ये इन 2 संख्याओं का योग क्या आ गया, 29 आ गया। तो हमें देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया था, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था। तो हम अगर यहाँ पर हमारा बी सी को माइनस कर देते तो हमें क्या पता चल जाएगी, जो ए वाली संख्या है यही पता चल जाएगी। आपको क्या बताना है, ए वाली संख्या या प्रथम संख्या ही बताना है। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा हुआ है, अभी हमारा 29 बचा हुआ था। अगर हम 45 में से 29 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, पहली वाली संख्या आ जाती है। देखिए 5 में से 9 नहीं जाता, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से उधार ले लेंगे। तो 15 हो गया, 15 में से अगर 9 गया हमारा तो 6 बचा, और 3 में से 2 गया तो आपका 1 बचा। ये क्या निकल कर आ गई, हमारी पहली वाली संख्या निकल कर आ गई, यही आपको बताना था। तो ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो आ गया। ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि आज कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अच्छे से मैथ सीखना चाहते हो और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से करना सीख जाते हो तो आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो 2023 होगा इसमें 100 of 100 ला सकते हैं। तो अगर आप हिंदी के वीडियो भी देखना चाहते हो तो वहां भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से जाकर उन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी प्रकार के टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।